तो दोस्तों सिंपल सा आपको अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर कैंसिल करने से लेकर ऑर्डर करने तक का पूरा सफर, यानी दोस्तों जब आप ऑर्डर करते हो कैसे ऑर्डर करना पूरा कुछ बताऊँ, कैसे उसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, कैसे आप अपना मतलब एरिया सिलेक्ट करोगे, कैसे आपका मतलब जो पिन कोड होगा वो सिलेक्ट करोगे, कैसे आप ऑर्डर कैंसिल करोगे, पूरा सारा कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, अपना फ्लिपकार्ट इस तरीके से ओपन कर लेना, इस तरीके से मान लो मैंने कर लिया, इस तरीके से स्क्रॉल करते हो आप कोई भी जैसे प्रोडक्ट सर्च करते हो या सर्च बार में इस तरीके से, जैसे मान लो आप लैपटॉप पेंट जो भी आप लेना चाहते हो, यहाँ पर जैसे मान लो मैंने पेंट सर्च किया, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने पेंट सर्च किया मेल के लिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। जैसे मान लो मुझे ये पेंट कोई इस जैसे पसंद आ रहा है, ठीक, मान लो ये आ गया, तो इसको मुझे ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अभी खरीदे पर क्लिक कर देना है सिंपल सा, और इस पर जो आपको यहाँ पर साइज चुनने के लिए ऑप्शन आएगा, जो भी जैसे आप मोबाइल लेते हो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा देखने को, आपको साइज चुन लेना कितनी आपकी कमर आती है। जैसे मान लो मेरी 32 आती है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लूंगा, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसका दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है डिलीवरी पता, यानी दोस्तों आप जब जो डिलीवरी बॉय होगा वो आपको कहाँ पर आपको मतलब प्रोडक्ट आपका सर्व करेगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बदले पर क्लिक कर लेना, आपका नहीं होगा तो यहाँ पर आपका नॉर्मल सा यहाँ पर इंटरफेस इस तरीके का नजर आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर बदलाव पर क्लिक किया, तो इस तरीके का आपका इंटरफेस नजर आएगा जब आप ऑर्डर मतलब करते हो, तो वहाँ पर आपको देखो यहाँ पर क्या जानकारी फिल करनी है, यहाँ पर अपना नाम डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना है, इसका दोस्तों जो आपका पिन कोड हो वो पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। आप गाँव में रहते हो तो गाँव का पिन कोड, सिटी में हो तो सिटी का पिन कोड, जिस यहाँ पे आपको चाहिए हो, जिस मतलब जगह पर आप हो प्रॉपर, जिस मतलब जिस जगह पर आप अपना प्रोडक्ट विजिट कराना चाहते हो, मतलब डिलीवरी बॉय आपको वहाँ पर दे, तो वो आपको यहाँ पर पिन कोड कर देना, ठीक है। इसका दोस्तों आप मेरी लोकेशन पर इस तरीके से कर दें क्लिक, तो आपका जहाँ पर भी होंगे तो वहाँ की आपको लोकेशन मिल जाएगी, सिर्फ पिन कोड आपको अपना याद करना है या फिर किसी से पूछ लेना है पिन कोड वहाँ का, ठीक है। इस तरीके से करने में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए राज ऑटोमेटिक स्लॉट सिलेक्ट हो जाएगा, जब आप मेरी लोकेशन ढूंढने पर क्लिक कर देते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब इसके दोस्तों आपको देखिए सड़क कुछ फेल हो चुका है, देखिए अब यहाँ पर क्या सड़क एरिया अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप जिस गांव में रहते हो जिस मोहल्ले में, ये आपको खुद सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि दोस्तों इतना आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लो मैंने यहाँ पर देखिए डाल दिया है बाटका इंडिया नेक्स्ट सेक्टर 85 में मैं रहता हूँ, जैसे ओवर ब्रिज जहाँ पर मतलब एक फ्लाई ओवर मतलब ब्रिज ओवर ब्रिज बना होता है बाहर करते हैं, उसके नीचे मतलब मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वो एक मतलब मुझे पता जानकारी उस चीज़ की। तो इस तरीके से आपको भी मतलब अच्छे से डालना है जो जहाँ पर आप मतलब विजिट करा सको प्रोडक्ट। इसका दोस्तों जब आप इतना कर दें तो आपको यहाँ पर पता सेव करने पर ऑप्शन कर दे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आगे बढ़े पर क्लिक कर देना इस तरीके से। जब दोस्तों आप इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आपको फ्लिपकार्ट बहुत सारी सुविधा देता है, कैशबैक देता है मतलब कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हो, या फिर जो आपका पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप UPI के जरिए कर सकते हो, या फिर वॉलेट के जरिए कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, कैश ऑन डिलीवरी सिंपल सा कर देना है, और यहाँ पर आपको EMI कितने पर भी चाहिए हो तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल होता है, लेकिन इतना लो प्राइज का नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर करने पर क्लिक कर देना सिंपल सा इस तरीके से। इसका दोस्तों ऑर्डर कन्फर्म पर क्लिक कर दें इस तरीके से। जैसे आप ऑर्डर कन्फर्म पर क्लिक करते हो तो आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, और आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से बोनस भी देगा, देखिए यहाँ पर 800 पर कॉइंस का मुझे बोनस भी दिया है। अब मान लो ये मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन हो गया, मैं मान लो बैक आ गया, ठीक है, जैसे मान लो अब आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, ठीक, अब आपको ऑर्डर कैंसिल करना, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल से कुछ नहीं करना, अब आपको अकाउंट पर आ जाना है। अब दोस्तों सिंपल से अब आपको यहाँ पर आ जाना और आपको अपना ऑर्डर पर क्लिक कर देना इस तरीके से। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो हो सकता है आपको यहाँ पर एक कॉल भी देखने को मिलेगी, जैसे मान लो अभी मेरे पास जैसे कॉल आई थी, देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट की ओर से ऑर्डर कन्फर्म करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर रिसीव नहीं की क्योंकि मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, तो वो कोई काम की कॉल नहीं, ठीक है। वो आपको कन्फर्म कराने के लिए एक दबाव आएंगे, तो वहाँ पर दबा देना, आपको एक प्रेस कराएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपने प्रोडक्ट किया होगा वो यहाँ पर दिख लेगा, ठीक है, शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना, और अब आपको यहाँ पर कोई भी एक रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ऑर्डर में बदलाव करने पर क्लिक कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर कर देना मुझे ऑर्डर कैंसिल करना, नीचे आपको साफ दिख रहा होगा, तो इस तरीके से क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर कैंसिल पर क्लिक कर देना इस तरीके से। जब आप क्लिक कर देते हो तो आपका यहाँ पर देखिए कैंसिल का एक रीजन पूछा जाएगा, तो वहाँ पर देखिए आप देखिए डाल सकते हो कैंसिल करने का कारण प्रोडक्ट और रेटिंग रिव्यू अच्छे नहीं मिले, या फिर मान लो मुझे डिलीवरी का पता बदलना है, या प्रोडक्ट की कीमत कम हो गई है, इस तरीके से कोई भी आप यहाँ पर डाल करके टिप्पणियां में सॉरी लिख देंगे, यहाँ पर जैसे मान लो मैंने सॉरी लिख दिया, ठीक है, और अनुरोध सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ, देखिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख के आ गया कैंसिल हो गया है 8 जनवरी मैंने।